नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने YouTube चैनल दिव्यांग सागर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हूं। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में हाल ही में कई निर्णय लिए गए हैं। परीक्षा संबंधी फीस संबंधित आप स्ट्रक्चर भी बताएंगे। 2020-21 में जो नामांकन होंगे उसमें फीस कम किए गए हैं, आपको पूरे कोर्स का फीस बताएंगे। और स्पेशल बीएड के लिए एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश, वहाँ का पहला आदेश है कुलपति जी का आदेश जो सभी को निर्देश दिया गया 10/9/2020 का ये आदेश है, यानी अभी कल ही का आदेश है जो आप सभी को जानना चाहिए। दूसरा आदेश है सेशन 2020-21 के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। तीसरा आदेश है स्पेशल बीएड, एचआईबीआई, जनरल बीएड, एमएड के लिए है, इसमें एग्ज़ाम के लिए बताया गया है एग्ज़ाम कब होगा और कब से कब तक होगा। स्पेशल बीएड का एचआईबीआई का कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, इस पर आप डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा 2018-20 हेतु परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है, इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में 10/9/2019 को कुलपति जी का पहला आदेश, आइए देखते हैं क्या आदेश दिए हैं कुलपति जी। माननीय कुलपति जी के द्वारा 9/9/2020 को अष्टावक्र सभागार में मीटिंग के दौरान दिए गए निर्देश के अनुसार नियमानुसार कार्य संपादित किया जाए, कुल 8 बिंदुओं में कुलपति जी ने आदेश दिया है। देखिए क्या क्या बताया है कुलपति जी। दिनांक 14/9/2020 से विश्वविद्यालय पूर्व की भांति खुलेगा जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरे आदेश में कहा गया है परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 20/9/2020 तक अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षा के परिणाम घोषित किया जाए। तीसरे बिंदु में कहा गया है अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम विभाग प्रभारी द्वारा डीन व कुलपति कार्यालय के माध्यम से परीक्षा विभाग तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। चौथे बिंदु में कहा गया है अंतिम वर्ष की परीक्षा के अतिरिक्त से सभी कक्षाओं के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए तथा परीक्षा परिणाम तैयार कर परीक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट पर दिनांक 20/9/2020 तक अपलोड किया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें यह आदेश दिया गया है 20/9 तक मार्कशीट वेबसाइट पे अपलोड किया जाए। तो आप सब इसके माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि 20/9 तक मार्कशीट अपलोड कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षा हेतु संबंधित विभाग के शिक्षक छात्रों की परीक्षाएँ फोन, व्हाट्सएप एवं अन्य जो भी उपयुक्त समझें के माध्यम से निर्धारित तिथि से पूर्व करा ली जाए। छठे बिंदु में कहा गया है छात्रों से छात्रावास शुल्क उनके छात्रावास में रहने पर ही लिया जाए, यानी जो छात्र छात्रावास में रहेंगे केवल उन्हीं का शुल्क लिया जाएगा। सातवें बिंदु में कहा गया है IMF सेंटर द्वारा सत्र 2020-21 का शुल्क वितरण वेबसाइट पर डाला जाए, साथ ही शैक्षिक भवनों की वाईफाई नेट व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराई जाए। आठवें बिंदु में कहा गया है प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जैसे पुराने छात्रों से प्रवेश फॉर्म के साथ गैर जरूरी प्रपत्र न लिए जाएं। नौवें बिंदु में कहा गया है संबंधित विभाग परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका IMF केंद्र को उपलब्ध कराकर प्रिंट रूप में प्राप्त कर सकता है। ये रहा कुल सचिव जी का आदेश। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कुलपति कार्यालय, समस्त अधिष्ठाता, सहायक कुल सचिव परीक्षा, IMF सेंटर, गार्ड फाइल, इन सभी को ये सूचना उपलब्ध कराई गई है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय का फ़ोन नंबर और इस वेबसाइट नंबर, ईमेल आईडी, इस पे आप संपर्क के किसी भी कोने से। अब हम बात करेंगे सेशन 2020-21 के लिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में।
तो आइए देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। पहला है स्पेशल बीएड, वो चाहे एचआई हो चाहे वीआई, उसका अगर सेमेस्टर में पैसा देते हैं तो 16,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा, और सालाना पे करते हैं जिसको एनुअल कहते हैं तो एनुअल आपको 30,000 पेमेंट करेंगे, 30,000 में आपका एक साल का हो जाएगा। तो आप सालाना पे करें ना कि पर सेमेस्टर, अगर पैसा आप पास अफोर्ड कर पाते हो, क्योंकि 16 16 अगर दो बार साल में पेड करते हैं तो 32 हो जाएगा, यानी आपका 2,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। इस किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो सालाना पे अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है बीएड जनरल। एक बीएड जनरल होता है जो सामान्य बीएड जिसे कह सकते हैं, इसका भी 16,000 रुपये सेमेस्टर फ़ी है और 30,000 रुपये वार्षिक है। तीसरा है एमएड, इसका 18,500 रुपये सेमेस्टर फीस है और 35,000 रुपये इसका वार्षिक फ़ी है। चौथे पे आता है एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, इसका 3,000 रुपये सेमेस्टर फ़ी है यानी छमाही, और वार्षिक फ़ी अगर देना है आपको तो 5,000 रुपये में आपका हो जाएगा। पांचवे नंबर पे है बीबीए, इसका सेमेस्टर फ़ी है 6,800 रुपये और वार्षिक फ़ी देना चाहते हैं एनुअल तो 12,000 रुपये में हो जाएगा आपका। छठा है बीसीए, इसका सेमेस्टर फ़ी है 7,800 और वार्षिक फ़ी है 14,000 रुपये। अब सातवां बिंदु आता है एमबीए, एमबीए इसका सेमेस्टर फ़ी है 10,000 रुपये और वार्षिक फ़ी है 18,000 रुपये। जो आप देख पाते होंगे कि एमबीए अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं तो लाखों लाख रुपए खर्च आ जाता है, वहीं आपका यहाँ पे बहुत कम पैसे में आप एमबीए, बीसीए, बीबीए कर सकते हैं। आठवां है एमसीए, इसका सेमेस्टर फ़ी है 10,000 रुपये और वार्षिक करना चाहते हैं पेमेंट तो 18,000 रुपये। अब नौवां है बीएफए, इसका सेमेस्टर फ़ी है 3,800 रुपये छमाही और वार्षिक करना चाहते हैं तो 6,000 रुपये। दसवां है एमएफए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, इसका अगर सेमेस्टर फ़ी देना चाहते हैं तो 5,500 और वार्षिक 9,000 रुपये। ग्यारहवां है बीपीए, अगर सेमेस्टर फ़ी देंगे तो 1,000 रुपये और वार्षिक देना चाहते हैं तो 1,500 रुपये। बारहवां है एमपीए, सेमेस्टर फ़ी देंगे तो 1,300 वार्षिक 2,000 रुपये। बीए, इसमें आपको बहुत ज़रूरी सोचना ये है, बीए और एमए को निशुल्क कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 छमाही पेड और 0 वार्षिक पेड। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि गुरुदेव जी के द्वारा बीए और एमए का फीस निशुल्क कर दिया गया है। आप अगर बीए एमए करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, निःशुल्क कर दिया गया है बिल्कुल भी। देख सकते हैं छमाही और वार्षिक फीस बिल्कुल भी निःशुल्क है बीए और एमए विद्यार्थियों के लिए। तो जल्दी करें और नामांकन अपना ज़रूर करा लीजिए। ऑनलाइन भी नामांकन हो रहा है और ऑफलाइन भी फॉर्म डाउनलोड करके भर के स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। पंद्रहवा है पीजीडीसीए, इसका सेमेस्टर फ़ीस है 4,800 रुपये और वार्षिक 8,000 रुपये। सोलहवा है पीजीडी योगा, अगर योगा आप करना चाहते हैं तो 2,500 रुपये सेमेस्टर फ़ीस है और 5,000 रुपये इसका वार्षिक फ़ीस है। सत्रहवा की बात करें तो डीसीए, इसका सेमेस्टर फ़ी है 2,500 रुपये और सालाना पेड करना चाहते हैं तो 4,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपका पूरे कोर्सों का स्टार के द्वारा आवश्यक सूचना है, बीएड, स्पेशल बीएड, वीआई, एचआई, एमएड सभी के लिए है, और ये 10 तारीख को ये नोटिस आई है। परीक्षा से संबंधित सूचना, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2018-20 के बीएड, बीएड विशेष शिक्षा, एचआई, वीआई तथा एमएड सभी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की
वार्षिक तथा आंतरिक परीक्षाएं दिनांक 14 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। देख सकते हैं आप 14 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। यह परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी, अतः समस्त विद्यार्थी परीक्षा हेतु आवश्यक तैयारियां जैसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन या लैपटॉप आदि को तैयार रखें तथा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित दिवसों में परीक्षा में प्रविष्ट हो। यह सूचना प्रभारी अधिष्ठाता शिक्षा संकाय को द्वारा जारी किया गया है। प्रतिलिपि सभी को दिया गया है। प्रभारी विशेष शिक्षा, प्रभारी विभागाध्यक्ष बीएड एमएड समस्त शिक्षकगण शिक्षा संकाय को इस आशय के साथ कि उक्त अवधि में अपने अपने प्रश्न पत्रों की संबंधित सभी समीक्षाएं संपन्न स्पेशल HIVI फोर्थ सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन शेड्यूल 2019-20। शेड्यूल में देखते हैं 14 तारीख से हम पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें BSEB 401 HI और VI दोनों का पेपर है। 15 तारीख को है BSEB 402 402 HIVI। 16 तारीख को है BES 403A BES 403B BES 403C BES 403D BES 403E BES 403F BES 403G 17 तारीख को है BES 404A BES 404B BES 404C BES 404D BES 404E 18 तारीख को है BES 405। तो ये रहा परीक्षा का शेड्यूल स्पेशल बीएड के लिए, चाहे वो HI हो चाहे BI, सभी के लिए। देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है। नोट में एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑनलाइन, देयर विल बी स्प्लिट एग्जामिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप टू बी क्रिएट लिंक टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप विल बी गिव इन द क्लास ग्रुप ऑन 12/9/2020। 12 तारीख को सर जुड़ने के लिए कह रहे हैं ग्रुप, आप सभी 12 तारीख को रेडी रहिएगा। दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। एग्जामिनेशन पेपर विल बी अपलोड इन द एग्जामिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली बाई 11 AM ऑन द एग्जाम डेट एंड स्टूडेंट विल अपलोड देयर एंसर शीट इन PDF फॉर्मेट एंड टू बी अपलोड ऑन सेम डे बाई 11:59 हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल BEd। सर के द्वारा ये कहा गया है कि 12 तारीख को सभी आप जुड़िए, और सर ये कह रहे हैं 11 बजे पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप PDF फॉर्म में बना के आंसर लिखने के बाद 11:59 यानी लगभग 12 बजे तक रात तक आप उसको अपलोड कर दीजिए। फिर स्पेशल एजुकेशन संबंधित जानकारी, ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा 2018-20 हेतु परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जो आप सभी को सुनना चाहिए ध्यान से। समस्त परीक्षार्थी परीक्षा हेतु निर्धारित कार्य दिवस पर प्रायः 10 बजे परीक्षा हेतु बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। दूसरा टॉपिक है संबंधित प्रश्न पत्रों से संबंधित विभाग द्वारा प्रायः 11 बजे इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र को अपलोड किया जाएगा, जिसको विद्यार्थी के द्वारा सर्वप्रथम A4 साइज के पेपर पर अपना रोल नंबर, प्रश्न पत्र कोड तथा हस्ताक्षर एवं दिनांक को अंकित करना है। तत्पश्चात प्रश्नों के उत्तर लिखकर उसी दिन अधिकतम रात्रि 11:59 पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। उत्तर पुस्तिका को भेजने हेतु कैमरा फोटो या स्कैनर का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्न है। सेक्शन ए में ये 80 नंबर वाला पेपर है स्पेशल बीएड के लिए। सेक्शन बी ये 50। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। खंड आ में हम बात करेंगे, इसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी बहुविकल्पीय आकार के, जो 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के होंगे।
और सभी अनिवार्य हैं। खंड ब की बात करें, निबंधात्मक प्रश्न होगा, इसमें अधिकतम 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। हल करना है केवल 4 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के अंक 10 अंक निर्धारित हैं, कुल अंक 40। हम सेक्शन बी की बात करें तो ये 40 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। खंड अ में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ब की अगर बात करें हम, ये निबंधात्मक प्रश्न है और कुल प्रश्न संख्या इसमें भी 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको केवल 4 को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 5 नंबर है, कुल अंक 20 नंबर का। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। आइए चौथे बिंदु में देखते हैं। सभी विद्यार्थी आत्म अनुशासन में रहकर अपने निवास स्थान से ही पूर्ण सत्यनिष्ठा, ईमानदारी व सुचिता को कायम रखकर उत्तरों को लिखेंगे तथा उपरोक्त बताए गए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देंगे। पांचवे टॉपिक में है, किसी कार्य दिवस में परीक्षा में प्रविष्ट न हो पाने की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमानुसार पुनः परीक्षा हेतु अवसर विशेष स्थिति में ही दिया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो विद्यार्थी अगर उपस्थित नहीं होता है तो बहुत ही उसका अगर कोई आवश्यक कार्य हो तभी उसको एग्ज़ाम दिलाया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिलाया जाएगा। छठे बिंदु में कहा गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखते समय विद्यार्थी प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में न लिखे, केवल उस प्रश्न का उत्तर ही लिखे। इसमें ये कहा जा रहा है जो विद्यार्थी जो 20 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, उसके केवल उत्तर लिख दे, प्रश्न को न लिखें। सातवें बिंदु में कहा गया है, परीक्षा के उत्तरों में अधिक पृष्ठों के स्थान पर कम से कम पृष्ठों में प्रामाणिक व सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। आज का 5 नोटिस है। नोटिस आने तक हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आप विश्वविद्यालय से संबंधित सूचनाओं से अब हमारा यह सीरीज आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट लेने के लिए अथवा दिव्यांगता से संबंधित नए मुद्दों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों तक यह सूचना पहुंच पाए। खासकर जो हमारे दृष्टिबाधित भाईजन हैं उन तक अवश्य पहुँचे। लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ये आप सभी से हमारा अनुरोध है। जय जय दिव्यांग, जय हिंद।